इस सैटरडे शुरू हुआ खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 का सेमीफिनाले वीकेंड, जहां सैटरडे को एक एविक्शन हुआ, वहीं दूसरा एविक्शन होगा संडे को। सेमीफिनाले का पहला स्टंट परफॉर्म करते हैं सना, अर्जुन और विशाल, जिन्हें पानी के अंदर बनी हुई टनल को अंडर वाटर चलते हुए 5 एयर पॉकेट से सांस लेते हुए टनल के एंड में नेट को काटते हुए बाहर आना होगा। इस स्टंट को पहले करती है सना मकबूल और फिर अर्जुन बिजलानी। दोनों ये स्टंट को कंप्लीट करते हैं। फिर इस स्टंट को परफॉर्म करने की बारी आती है विशाल आदित्य सिंह की, जो दो बार अंदर जाने के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन विशाल इस सेमीफिनाले स्टंट को अबॉर्ट करते हैं और उन्हें मिलता है फियर फंदा। अर्जुन ने ये स्टंट कंप्लीट किया था 8 मिनट और 11 सेकंड में, वहीं सना ने 13 मिनट और 15 सेकंड में। बाकी बचे 4 कंटेस्टेंट्स के लिए होता है दूसरा स्टंट, जहां दो दो करके कंटेस्टेंट्स के बीच हेड ऑन स्टंट होगा, जहां दो कंटेस्टेंट्स को लिटा दिया जाएगा उनके ऊपर दाने डाल के और मुर्गियां उनपे आके वो दाने चुनेंगी। जिस कंटेस्टेंट के सिर के नीचे बजर दब जाएगा वो ये स्टंट हार जाएगा। पहले ये स्टंट करने जाते हैं राहुल और श्वेता, फिर जाएंगे वरुण और अभिनव। पहले ये स्टंट करते हैं राहुल और श्वेता, जहां श्वेता का सर बजर पे दब जाता है और श्वेता ये स्टंट हार जाती है। फिर स्टंट को परफॉर्म करते हैं अभिनव और वरुण, जहाँ अभिनव के सर के नीचे बजर दब जाता है और अभिनव ये स्टंट हार जाते हैं। तो इस स्टंट के खत्म होने के बाद श्वेता तिवारी और अभिनव शुक्ला को मिलता है फियर फंदा, जहाँ सैटरडे का एविक्शन स्टंट हुआ अभिनव, श्वेता और विशाल के बीच। इस एविक्शन स्टंट में माउंटेन क्लिफ पे बास्केटबॉल्स रखे होते हैं, जिन्हें उठा के वहां से दूर सामने की तरफ लटक रही बास्केट में वो डालने होंगे। बास्केट और बास्केटबॉल वाला रैंप होगा पानी के ऊपर, जहां ये स्टंट सबसे पहले परफॉर्म करने आते हैं विशाल आदित्य सिंह, जो रैंप पे रखी हुई चारों बॉल्स और आसपास लटक रही सभी बॉल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक भी बॉल बास्केट अंदर नहीं जाती है। विशाल द्वारा फेंकी गई सभी बॉल्स पानी में गिरती है। फिर स्टंट को परफॉर्म करने आती है श्वेता तिवारी, जो विशाल की तरह सभी बॉल्स का इस्तेमाल करते हुए बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, लेकिन उनकी एक भी बॉल बास्केट में न जाके नीचे पानी में गिरती है। सबसे आखिर में स्टंट को परफॉर्म करने आते हैं अभिनव शुक्ला, जो रैंप पे रखी हुई और आसपास लटक रही ज्यादातर बॉल्स को बास्केट में डालने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन एक भी बॉल बास्केट में नहीं जाके नीचे गिरती है। अभिनव जिस पे खड़े थे उस रैंप के ज्यादा हिलने से अभिनव अपना बैलेंस खो के नीचे गिर जाते हैं, और अगर वो नीचे ना गिरते तो तीनों कंटेस्टेंट्स के वहां तक के टाइमिंग में कंपैरिजन होती, जहां विशाल आदित्य सिंह ने लिए थे 6 मिनट और 12 सेकंड, वहीं श्वेता तिवारी ने लिए 9 मिनट और 12 सेकंड, लेकिन नीचे गिर जाने की वजह से अभिनव शुक्ला ये स्टंट हार जाते हैं और एविक्ट होते हैं। तो व्यूअर्स, क्या कहेंगे आप इस एविक्शन के बारे में? और इस संडे एपिसोड में फिर से होगा एक और एविक्शन, जहां एविक्ट हो सकती है श्वेता या सना।